गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार भेट करन तो पहले सनेमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म एक महारस है, अगर जीवन देच ए महारस नहीं तो कहने जीवन देच धर्म नहीं है। जीवन एक निर्वैर निर्भय जज्बे का नाम है। हिरदा निर्वैर ते निर्भय नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म एक समदृष्टि का नाम है, सब एक दिखाई दे। ऐसा नहीं है तो अजय जीवन देच धर्म नहीं है। जीवन दे विच खेड़ा खुशी आनंद है तो धर्म है। चिंता है सोग है समस्यावान है अजय धर्म नहीं है। अजय धर्म दी यात्रा बहुत लंबी। धर्म एक परम आनंद, धर्म एक परम रस, धर्म एक निर्वैर ते निर्भय जज्बा, धर्म गुणा दा सागर, सारियां खुशियां नू सारे गुणा नू सारे रस नू किसे इक्को ही शब्द विच बयान करना होवे धर्म सब कुछ विच आ जांदा। सारा रस विच आ जांदा, सारे गुण विच आ जांदे, सारी शक्ति विच आ जांदी है, सारा ज्ञान विच आ जांदा। जिस दिन धर्म दी थोड़ी बहुत समझ पैंदी है ते अंदरों लालसा जागदी है, उसनों कहिंदे ने ए जग्यासु हो गया है। मनुख नू इस हिसाब नाल चार हिस्सियां च वंडे है। थोड़ा जिहा जागया है, थोड़ी जिहा इस दी नींद खुली है, थोड़ा जिहा सुचेत होया है। इस दिन दर जग्यासा पैदा हो गई है धर्म दी। ऐसे पुरुष नू कहिंदे ने जग्यासु। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा होई, चल पिया चल पिया। इनू कहिंदे ने साधु, ये तो साधना करन लग पे ते चल पे। चलदियां चलदियां जो पहुंच गया उन्हों कहिंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरुमुख, भगत। इत पहुंच गया, इत अपने टिकाने पहुंच गया। जिस दे अंदर ये जग्यासा भी नहीं पैदा हुई उसे नू कहिंदे ने संसारी, ते संसारी बंदा संसारी है। सब तो वड्डी भीड़ संसारियां दी है, उन्हां तो थोड़े ने जग्यासु। फिर जग्यासुआं तो भी थोड़े ने साधु। फिर कोई करोड़ां च एक कद है संत। जैसे जैसे पहाड़ दे उपर चढ़ी है जगह घटती जाती है, थोड़ी आती जा रही है। तो चोटी थे शिखर थे तो बहुत थोड़ी जगह रह जाती है, निवाण दे ज्यादा है। संसारियां दी ते भीड़ है बहुत वड्डी। इन्हां संसारियां दे च कदी कदाई कोई एक कद जग्यासु प्रभु दे मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई। परमात्मा नू मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है, नाम जपन दी जग्यासा पैदा हो गई है, परमात्मा बारे इहदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। इस नू धार्मिक शब्द इंज देंदे ने इह जग्यासु है। जिस दे अंदर इतनी भी तड़प नहीं पैदा हुई वह अजे जग्यासु भी नहीं है। जग्यासु सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई ते चल पे, इन्हें ते जपना आरंभ कर दिता। इत अमृत वेले उठ के साधना करन लग पे।
फिर इस नू कहिंदे ने साधु, ये साधना कर रहे है, ये ते चल पे चलदियां चलदियां जो पहुंच गए उन्हों कहिंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख भगत। ये हर मनुख अपने बारे फैसला कर सकता है मैं किथे हाँ। इसे नू एक आलम कहिंदे तो खुद ब मुनसब शुद्ध, अपना फैसला आप कर, दूसरे तो ना करा। दूसरा मेरे मन बारे की जानता है, मैं अपना फैसला आप कर सकता। दूसरा मनुख दूसरे बारे कोई सही फैसला नहीं कर सकता। दूसरा मनुख या तो दूजे बारे घटा के गल बयान करेगा या बधा के। जे ईर्खा रखता है, दुश्मनी रखता है तो गल घटा के बयान करेगा, निंदा करेगा। या कुछ स्वार्थ रखता है या अपना है तो फिर गल वधा के करेगा। दूसरा किसी भी मनुख बारे सही फैसला नहीं कर सकता। कारण दूसरा मन देख ही नहीं सकता जगयासा पैदा हुई है कि नहीं। किसी मनुख के अंदर परमात्मा की जगयासा पैदा हो गई है, ये दूसरा नहीं फैसला कर सकता। तो जगयासा पैदा हो गई, उन्होंने कहने ने जगयासु, ये जाग गया, थोड़ा सुचेत हो गया, सावधान हो गया। जगयासु सिर्फ जगयासा ही नहीं पैदा हुई, चल पे चल पे। साधु सिर्फ चलना ही आरंभ नहीं किया, चल चल के पहुंच गए। संत ये हुण अपने बारे असी खुद फैसला करना है, असी संत हाँ, साधु हाँ, जगयासु हाँ कि सिर्फ संसारी। संसारी दी पहचान भगत कबीर जी दा एक बोल है, नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ने मैं माया दी नक कट दिती है, भी हद हो गई। तू गर्दन कटनी सी, सिर्फ नक कट के जो है क्यों छोड़ दिती? क्योंकि कबीर ऐसा कह रहे ने, कहो कबीर संतन की बैरन। माया धन नू नहीं कहिंदे, इस चक्कर च ना पैना। गुरु अमरदास जी ने खुलासा कर दिता है, ए माया, इसनू माया जानो। किसनू? ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस कम दे करदे आं, जिस विचार दे आंदे आं, जिस संबंध दे जुड़दे आं, परमात्मा भुलदा है, माया है। जिहड़ा कम परमात्मा नूं भुला देवे, परिवार करके परमात्मा भुलदा है, परिवार माया है। धन करके धर्म भुलदा है तो धन माया है। मित्रां करके परमात्मा भुलदा है तो मित्र भी माया है। पुत्र करके परमात्मा भुलदा है तो पुत्र भी माया है। पर परिवार करके निरंकार भुलिया नहीं, याद आ रहा है, तो इस मनुख लई परिवार माया नहीं है। धन दे च रहिंदिआं इह धर्म नूं भुलिया नहीं है तो धन इस लई माया नहीं है। पुत्र पोतरिआं करके निरंकार नूं भुलदा नहीं तो इह उस दे लई माया नहीं ने। इह माया, इस नूं माया जाणो। ए माया जित हर विसरे, जिस काम दे करदे आ, जिस विचार दे आउंदे आ, जिस माहौल दे च रहिंदे आ, परमात्मा भुलदा है, माया है। हर मनुख अपने लिए फैसला कर सकदा है, मेरे लिए केड़ी गल माया है। गुरु अमरदास जी महाराज ने साढ़े ते छोड़ दिती है गल, ए माया, इसनू माया जाणो। ए माया जित हर विसरे, जिस करके प्रभु बोले,
किसी भी काम करके, किसी भी विचार करके, किसी भी माहौल करके, किसी भी वातावरण करके, अगर परमात्मा भुलदा है माया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया, दुचित्ता मन पैदा हो जाए, शक वध जाए, ते मन दुफाड़ होवे, बस इसनु माया जाना। कबीर कहिंदे ने मैं माया दी नक कट दित्ती है, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। भी तू सिर्फ नक ही कट के परे सुट दित्ती। दरअसल मायाधारी दी सिर्फ नक होंदी, होर कुछ भी नहीं होंदी। मायाधारी मनुख जो कुछ भी करेगा नक रखण वास्ते, होर कुछ भी नहीं, नक रहनी चाहिए। सच्चाई रहिंदी है भावे नहीं, धर्म रहिंदा भावे नहीं, मेरी नक रहनी चाहिए। नक इसे नूं रखना है सामने, सच्चाई नूं नहीं। कबीर कहिंदे ने मैं जो कुछ भी करदा नक रखण वास्ते नहीं, परमात्मा लई, ईश्वर लई। नाकों काटी तो मैं कट दित्ती, मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। शरीकां च मेरी नक रह जाए, समाज दे च मेरी नक रह जाए, कबीर कहिंदे नहीं है मैं कट दित्ती। नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। तो मैं फिर अर्ज करा, कीर्तन सुनदे हां, कथा सुनदे हां, बाणी पढ़दे हां, जिस दिन प्रभु मिलन दी जग्यासा पैदा हो जाए उन्हों कहिंदे ने जग्यासु है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, बहुत जपन लग पिया, चल पिया, इते साधु है, इते साधु हो गए। इस दे सारे कर्म बड़े पवित्र होंगे, साध नाम निर्मल ताके कर्म, उदी किसी भी कृत नूं असी मैला नहीं कह सकते। उदा करना, उदा वेखना, उदा सुनना सब पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। चल पे है साधु, सिर्फ चलिया नहीं, चल चल के पहुंच गए संत। संत इहदे अखरी अर्थ ने जो सत दा तत है, जिसने सत विच अपना अंत कर लिया, संत इहदे अखरी अर्थ ने, संस्कृत दा शब्द है। सत विच जिसने अपना अंत कर लिया, सत दे ची अपने आप नूं मिटा दिता है जिसने, जो सत दा तत बन गया है, संत। मनुखी दुनिया दे संत सब तो सिरमौर है, बाकी सब थले ने। जिस दे अंदर जग्यासा ही नहीं भी पैदा होई, बस उसनु संसारी कहिंदे ने, ज्यादा भीड़ इन्हां दी। साधु की करदा है, साधु अपने मन नाल लड़दा है, मन नाल झगड़दा है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। जिस दिन जीवन विच ए समस्या पैदा हो जाए, मन जुड़दा क्यों नहीं, मन टिकदा क्यों नहीं, मन मंदा क्यों नहीं, मन नहीं मंदा। मन पुत्र नूं ते पुत्र करके मंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मंदा। मन पत्नी नूं ते पत्नी करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मंदा। मन पति नूं पति करके मन लैंदा है, भरा नूं भरा करके मन लैंदा है, मां बाप नूं मां बाप करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मंदा। बहुत सारे जिहड़े लोग कह देंदे ने असीं परमात्मा नूं मनदे हां, नहीं,
अगर मनदे ने तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते उस मनुख की महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछता। जिसनों मन मन लैंदा है वो याद का हिस्सा बन जाता है, हर वक्त याद आता, भुलदा नहीं। जिनू मन मनदा नहीं मन उसनों भुल जाता है। जिसनों मन मनदा है मन उसनों बार बार याद करता है। जिसनों मन मन लवे ये मेरा अपना है फिर वो भुलदा नहीं है। भुलदा कौन है? बेगाना, ओपरा। याद कौन आंदा है? अपना। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहूं काहूं अपनो ही चित आवे। जिथे किथे अपना चेते आंदा है, ओपरा बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे समझ लेना अपना है। अपना मित्र याद आंदा है, अपना पुत्र याद आंदा, अपना परिवार याद आंदा, अपना घर याद आंदा है। जे दुश्मन भी याद आंदा तो अपना दुश्मन याद आंदा है, दूजे का नहीं। कुछ ना कुछ तो अपना तो उहदे नाल भी है। जाहूं काहूं अपना ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आंदा है, बेगाना नहीं। जो बार बार याद आवे अपना है, ते जिन्हों याद भी करिए ते भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। बाकी ते सब अपने ने, रह गई गल राम दी, ए ओपरा है, बेगाना है। सब कुछ चेते आउंदा है, राम चेते नहीं आउंदा। क्यों? सब किछ अपना एक राम पराया। कबीर कहिंदे ने, मैनू भुलदा ही नहीं, बिसरत नाही मन ते हरी। भुलदा ही नहीं, क्यों? अब मोय राम अपना कर जाने आ, सहज सुभाय मिले मन माने आ। हुण मैं राम नू अपना करके जाने आ। ते मनोविज्ञानक कहिंदे ने, अपना ही चेते आ सकदा है, बेगाना नहीं, ओपरा नहीं। बार बार जो याद आवे अपना है। याद करन ते भी जो भूल जाए बेगाना है, बेगाना है, ओपरा है। अब मोए राम अपना कर जाने आ, सहज सुभाए मिले मन माने आ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जाहूं काहूं अपनो ही चित आवे। किधरे भी चले जाइए अपना चेते आउंदा, बेगाना नहीं चेते आउंदा, ओपरा नहीं चेते आउंदा। सारी दुनिया भर दे अवतारा ने एको ही गल आखी है, चेते करो, याद करो, सिमरन करो। पंजाबी च कहिंदे ने चेते करो, उर्दू च कहिंदे ने याद करो, ते संस्कृत दे च कहिंदे ने सिमरन करो। इहदा मतलब है भुल गया, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकदे, क्योंकि रोम रोम दे च है। भुलाया है, भुला सकदे हां, भुल गए। भुलिया क्यों है? मन ने बेगाना समझ लिया। जितना परमात्मा अपना है जगत दे च होर कोई भी अपना नहीं है। हर वक्त मनुख दे नाल परिवार नहीं रह सकता, भैन भरा नहीं रह सकते। हर वक्त मनुख दे नाल संगी साथी नहीं आते। परमात्मा हर वक्त नाल है, सदा अंग संगे अभंग अंग विभूत है। जो सदा संग है वह भुल जाता है। क्यों? ओपरा समझे है, बेगाना। और जिन्हों का संग वक्ती है, आरजी है, वह बार बार याद आते हैं। हुण मैं अर्ज करा, गुरबाणी ये भी कहती है, परमात्मा की याद महा आनंद है। ध्यान देना, तुद चित आए महा आनंद।
ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਗਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਮ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਅਸਤ, ਇਹ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਅਸਤ, ਇਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਤ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਮਗੀਨ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੁਛ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਵੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸਿਉ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਨ ਦੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਵੈ। ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਵੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸਿਉ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ, ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰ ਮਾਹੀ। ਕੰਸ ਦਾ ਸੌਰਾ ਜਰਾ ਸਿੰਧ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਛੋੜਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ? ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੁਆਰਕਾ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਨਸੇ, ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਰਾ ਸਿੰਧ ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਸ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ, ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰ ਮਾਹੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਧਨ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁਚਕੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ, ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰ ਮਾਹੀ।
बलबीर पिता रघुबीर पिता दुख लोक समान लहे भव माही। कहो रे मन कौन सुखी जग में तन धार के जो दुख पावत नाही। मनुखा तन धारण की तावे ते दुखी ना होयावे। पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनूं दसो केड़ा बंदा है, केड़ा बंदा है दुख किसते नहीं आया। पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनूं दसो ऐसा कौन है। कहो रे मन कौन सुखी जग में तन धार के जो दुख पावत नाही। गम छे बाशत भाई साहब भाई नंद लाल, गम की है दुख की है, चीस्त शादी खुशी की है। आप थल्ले जवाब भी लिख देने, ए दीवाने गोया भाई साहब भाई नंद लाल। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, बस परमात्मा दी याद तो गफलत करने ही गम है और कोई गम नहीं। उन्हों भूल जाइए बस गम है, सारे गम पैदा होंगे। कितने के पैदा होंगे ये गुरु अर्जन देव जी दस देने, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभ्य रोग, शरीरक मानसिक आर्थिक समाजिक पता नहीं कितने कलेश खड़े होंगे। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभ्य रोग, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, चीस्त शादी खुशी की है याद आंबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है उदी याद खुशी है, महा खुशी है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, जिन्हों भूल जाता है उदिया खुशियां मर जांदियां, जिन्हों भूल जाता है उदे सुख मर जाते हैं, जिन्हों भूल जाता है उदे रस मर जाते हैं, होर की मरदा है। जिस विसरे सो मर जाए जियो, उदी सारी चेतना मर जाती। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, गुरु नानक देव जी महाराज ये कहंदे ने प्रभु नूं विसार के कोई मनुख गुणवान भी नहीं हो सकता। ना उदे अंदर समदृष्टि होवेगी, ना उस दे अंदर प्रेम होवेगा, ना उस दे अंदर दया होवेगी, ना उस दे अंदर विशालता होवेगी, ना ही उस दे अंदर कोई भाईचारे दा जज्बा होवेगा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, इधर परमात्मा नूं भुलिया इधर सारे ही गुण गल गए, खत्म हो गए। परमात्मा नूं भुला के अगर कोई मनुख गुणवान दिखाई दे रहे है, कागजी फुल होणगे, प्लास्टिक दे फुल ने, असली फुल नहीं ने। एवें गुण दिखाई देंदे होणगे, गुण नहीं ने, ये भी मैरिज कर रहे हैं। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, थोड़ी जिहा भी मिलण दी सत्संग करदे आ जिस दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है, हुण ये मनुख संसारी नहीं जग्यासु है, चल पिया जपन लग पिया, ये हुण जग्यासु भी नहीं साधु हो गया, चल पिया। सिर्फ चलिया ही नहीं पहुंच गया, इते संत हो गया, इते ब्रह्म ज्ञानी हो गया। सब तो शिखर है संत, उस तो थले साधु, उस तो थले है जग्यासु। निवाण दे च बड़ी भीड़ है संसारी। भगत कबीर कहंदे ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी जिन्हों राम नाम दी घाटी कहंदन कहंदन मैं कल्ला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई है ना मेरे पिछे। औखे ना होना, कवि गिरधर ने साफ कहे, हे परमात्मा बाकी ते हर रस्ते ते भीड़ है, सिर्फ तेरा ही रस्ता उजड़िया होया है। ते उजड़िया होया रस्ता किसनों कहंदे जिस ते कोई चले ना। इकबाल कहंदे ने, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। चले सन काफले खुदा दे मार्ग ते पहुंच गए, कोई रस्ते च मार खब गए। ऐ खुदा हुण तेरा रास्ता सुन नहीं है, कुछ भी नहीं है।
हुए सन कुछ ऐसे, चौक दे च बैठा है रविदास, जुतियां गंढदा पे है पर अपना मन भी प्रभु नाल गंढी जा रहा है। दूसरे की जुती गंढदा है, कोशिश करता है अगले का मन भी रब नाल गंढा। हुण हर चौक दे च मौची ते मिल जाणगे रविदास दे दर्शन ने, कदी कदाई होंदा। कपड़िया नू रंगण वाले रंग सास ते सारी दुनिया च मौजूद ने, पर कपड़िया नू रंगदिया रंगदिया जो अपना मन भी रंगदा होवे, इह ते केवल नामदेव ही होया। रंगन रंगो सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी न जियो। खैर इवें विचकार गल आ गई, धर्म दी साधना मन दी साधना, जगयासा पैदा हो गई है प्रभु मिलन दी, ये जगयासु है। सिर्फ जगयासा ही नहीं पैदा हुई, चल पाया ये साधु है। सिर्फ चलिया ही नहीं, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये संत है। जिस दे अंदर जगयासा भी नहीं पैदा हुई, ये संसारी है। अगर ये कोई धार्मिक कर्म भी करता है तो नक रखने वास्ते, नाकों काटी कानों काटी। भगत कबीर कहंदे मैं नक रखण वास्ते कम नहीं करता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने, मनुख दे सवालां तो मनुख दे प्रश्नां तो पता चल जाएगा ये मनुख समाजिक तल ते ही जी रहा है या कारोबारी तल ते, या इसकी कोई धार्मिक जिंदगी भी है। मनुख की समस्या दस देंदी है, मनुख दे सवाल दस देंदे ने, ते सवाल सिर दा बोझ आउंदा है, भार आउंदा है। मैं उस दिन भी अर्ज कीता सी, भारत देश दुखी बंदे नूं कहिंदे ने सवाली, ते सवाल पैदा ही दुख तो आउंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह दे गालबन कोई 100 सवाल अकाल उस्तत नामक बाणी दे दर्ज कीते ने। इस तरह के सवाल जे किसी के अंदर पैदा हो जाए, जगयासु है, जगयासु है, जगयासा पैदा हो गई है। मनुख दे सवाल दस देंदे ने इस बंदे की समस्या की है, पता चल जाता है समस्या समाजिक है, कोई घरेलू है, यदि समस्या शरीरक है, यदि समस्या आर्थिक है। कदी कदाई कोई इस तरह के मनुख मिलते ने जिन्हों की समस्या धार्मिक होंगी है, आर्थिक समस्या का बोझ उन्होंने सिर देते नहीं आता, परिवारक समस्या समाजिक समस्या नू वो इतनी अहमियत नहीं देंदे, शरीरक समस्या नू भी पहल नहीं देंदे, धार्मिक समस्या। तो उस मनुख दे अंदर प्रश्न भी जड़े पैदा होणगे, सवाल भी जड़े पैदा होणगे धार्मिक होणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां सवालों नूं लिखिया, को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार, सूर वीर कौन है और सुंदर तुसी किसनूं आखोगे, खूबसूरत किसनूं आखोगे। दूसरा साहब कहिंदे ने कहां जोग को सार, योग साधना दा फल की है। अगर कोई पाठ कर रहा है तो उस कोल पुछया जाए क्यों कर रहे हैं, इहदा फल की है। अमृत वेले उठ रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इहदा फल की है। कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, इहदा फल की है। फल नूं सामने रखे बिना, लक्ष्य नूं सामने रखे बिना अगर कोई कर्म करता है तो सियाणे कहिंदे ने पागल है। जैसे कोई दुकान खोल रहे होवे तो उन्हूं कहिए क्यों खोल रहे हैं, आखे एवें ही खोल रहे हैं, एवें ही खोल रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं तो कोई लक्ष्य है सामने, शाम तक डांदा जो है धंधा चले, लक्ष्य है।
अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है लंबा चौड़ा बस्ता लेके, तो पूछिए क्यों जा रहे हैं, वो आखे एवें ही जा रहे हैं, तो ये बच्चा कोई सियाणा नहीं है। सियाणे कह देना है पढ़ने वास्ते जा रहे हैं, विद्या हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। इस तरीके दे नाल एक किसान जमीन दे च बीज बीज रहे है, दाने बीज रहे है, ते उनु आखिए क्यों बीज रहे हैं, ते वो आखे मैनू पता ही नहीं है एवें बीज रहे हैं। इस किसान नु की आखोगे? किसान ते फौरन दस देगा एक दाने तो हजारां दाने पैदा होने, इस वास्ते बीज रहे हैं। ते जे पूछ लईए तो क्यों गुरुद्वारे जांदा है, अमृत वेले क्यों उठदा है, बाणी क्यों पढ़दा है, बहुत सारियां नूं इसका नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इसका बोध नहीं है। फिर इस तो अंदाजा की लगता है, अजे जगयासा भी नहीं पैदा हुई। प्रभ मिलने की लालसा तांते आलस कहां करो रोई, अजे ते जगयासा भी नहीं पैदा हुई, अजे ते तड़प भी नहीं पैदा हुई। इस मनुख के जिन्ने प्रश्न आवणगे सवाल आवणगे धार्मिक नहीं आवणगे, समाजिक आवणगे, शरीरक आवणगे, आर्थिक आवणगे, कारोबारी आवणगे। लोगों की गुफ्तगु तो पता चल जाता है इन्हां दी समस्या राजनीतिक है, कारोबारी है, शरीरक है, समाजिक है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक समस्या किसे किसे दी आउंदी है। जब यह सवाल पैदा हो जाए सूरबीर कौन है, और मैं अर्ज करा यह सवाल उदो पैदा होंगे जब मनुख का ध्यान थोड़ा जहा अपने अंतरमुखी होंगे, नहीं तो नहीं पैदा होंगे। मनुख के प्रश्न सारे बार मुखी ने, परिवार बार है, कारोबार बार है, सारे संबंध तो बार दे। इस वास्ते बंदे नूं ऐसा ख्याल है शायद रब का संबंध भी कोई बार की गल है। पता है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कहती है, बाहर टोले सो भरम बुनाई भुलेखे छे धोखे दे छे। पर मनुख दे कोल जिहड़ा प्रबल अनुभव है वह तो यही अज तक जो कुछ मिले है बारहों ही मिले है। प्रभता मिलीए बारहों मिलीए, इज्जत मिलीए बारहों मिलीए, मान सम्मान मिले है बारहों मिले, धन संपदा मिलीए बारहों मिलीए, परिवार के संबंध जुड़े ने बारहों जुड़े ने। तो बंदा सोचता शायद निरंकार का संबंध भी किधरे बारों जुड़ेगा, कता ही नहीं जुड़ेगा। वह जगयासु है जो थोड़ा जहा अंतरमुखी होया है, अपने नेड़े आया है, संसार दे नेड़े, परिवार दे नेड़े, कारोबार दे नेड़े, ते सारी दुनिया है, अपने नेड़े आया है, थोड़ा अपने मन दे नेड़े आया है, जगयासा पैदा हो गई। ये जगयासु है। को सूरा सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। मैं दोहरावा दसम ग्रंथ के अनेक टीके ने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने भी छापिया। पंजाब गौरमेंट का जिहड़ा पंजाबी भाषा विभाग एक महकमा है उन्होंने भी छापिया। पंडित नारायण सिंह जी ने भी कुछ अर्थ किए ने, गणेशा सिंह के अर्थां नूं नाल लेके। गणेशा सिंह ने इन्हां सवालों के जवाब लिखे ने भी मैनूं अंदरों ये जवाब आए ने, मैं थोड़े सामने रखा। को सूरा सूरबीर कौन है, जो बड़ा लड़ाक है, बड़ा जंगजू है, जने खने दे गल पैंदा, इहनूं सूरबीर ना आखणा, इह सूरबीर नहीं है, इह ते क्रोधी होवेगा, जल्दबाज होवेगा, तमोगुणी होवेगा, सूरबीर नहीं है। को सूरा सूरबीर कौन है, मन जीता सूरा है। हर मनुख मन दा गुलाम है, मन बड़े बड़े अनर्थ मनुख दे कोलों करा लैंदा है,
इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहिंदी है मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास। किसे ते भी भरोसा कर सकते हैं ऐ मन तेरे ते नहीं। तू सवेरे ईमानदार सी शामी बेईमान हो गए, हुणे शांतमई सी तो हुणे ही क्रोधी हो गए, हुणे परोपकार पिया करदा सी हुण फिर दुराचारी हो गए। मन दा कोई भरोसा नहीं। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमाद। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने माई मन मेरो बस ना। दो थावां ते गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मां दा जिक्र ज्यादा करदे ने। माई धन पायो हर नाम, हे मां हरी दे नाम दा धन प्राप्त हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब माई मन मेरो बसना, हे मां ये मन वसदे च नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते सैकड़े शब्द इस तरह के उच्चारण किए ने, माई मेरे मन को सुख। खैर इस में बथेरा थोड़ा समय ना लव, बहुत दुख दी चोट दे समय कहिंदे ने अगर कोई याद आउंदा है तो मां आउंदा है, मां शब्द निकल जाता है। रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैं किसी वक्त फिर खुलासा करांगा। मनुखी बच्चे च 90% मां आउंदी है। धार्मिक ज्ञानियां ने पिता दे एक्सीडेंट जो है संबंध नूं कोई बहुत गहरा नहीं मनिया। एक्सीडेंटल कहिंदे ने संबंध कोई खास नहीं है। मनुखी बच्चे 90% उसकी मां आउंदी है। इस विषय नूं ते किसी वक्त फिर मैं दोहरावांगा। इस वास्ते बहुत गहरी चोट लग जाए मुंह मां निकल जाता है, बहुत वड्डी खुशी मिल जाए मां निकल जाता है। माई मन मेरो बसना, जग्यासु दा ते साधु दी सब तो वड्डी पीड़ा की है, सब तो वड्डा दुख की है, मन नहीं टिकदा, ये सब तो वड्डी पीड़ा है। ये पीड़ा अगर किसी को है तो धार्मिक पीड़ा है, इसकी समस्या धार्मिक है। ते आप सुन के हैरान होवोगे, धार्मिक पीड़ा जैसी होर कोई पीड़ा ही नहीं है, सब तो वड्डी पीड़ा है। तुसी आखोगे इतनी वड्डी पीड़ा है, हाँ इतनी वड्डी पीड़ा है। जगत दे को जितनी वड्डी पीड़ा धार्मिक है और भगत लंघ देना है।